करने वाले और देश के विकास में अहम भागीदारी निभाने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकगण, शिक्षाविदों और हमारी माता यशोदा के रूप में काम करने वाली आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री महिलाएं, आप सबको मैं अभिनंदन करती हूं, क्योंकि आज आपने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए आवश्यकता होती है। और हमारी जो कार्यकर्त्री है, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप माता यशोदा के रूप में 30, 40, 50 बच्चों को संभाल रहे और बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितने कुपोषित बच्चे वहां है, कुपोषित बच्चों को पोषण मुक्त आहार, पोषण युक्त आहार कैसे मिले, इसका काम आप कर रहे हो और खुशी खुशी से कर रहे हो। योगा क्या कराना है, कैसे करना है, 4 साल के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, 5 साल के बच्चों के लिए क्या है, 6 साल के बच्चों के लिए क्या सिखाएंगे, उसका भी एक ब्लू प्रिंट तैयार हो गई है और अभी राज्य सरकार उस। और दूसरा, कई ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि कैसे ये हो गया, कैसे इसकी हत्या हो गई, कैसे उसको मारा पीटा और फिर सजा और सजा भुगतने के लिए जेल, और जेल में 1 साल 2 साल नहीं लेकिन आज बन जेल। ऐसी स्थिति में हमारे कई बहने भाई है रह रहे और वहां भी वैसे बैठे नहीं रहे, उनको काम सिखाया जाता है, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसके लिए एग्जीबिशन करते हैं और इसमें से जो पैसे मिलते हैं वो भी जो जिसने बनाया है उसको उसके अकाउंट में जमा किया जाता है, क्या होती है तब उसके अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसको दिया जाता है। तो ऐसी काफी व्यवस्था है जेलों में है, वृद्धाश्रम तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति होती है जो नहीं कर सकते। हम लोग जब वहां जाते हैं तब मानती हूं कि भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो लेकर जाते हैं, सबको मिलते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ में जब एक कार्यक्रम का आयोजन किया तो मुझे पता नहीं था कि एक ही जेल में 300 महिलाएं जेल काट रही। जेल का एक कार्यक्रम था जिसका एक फोटोग्राफ मैंने न्यूज़पेपर में देखा, तब पता चला कि वहां जाकर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो हम जो वे लोग चाहते थे सब लेकर गए और महिलाओं के साथ बातचीत की, वहां रहने की सुविधा कैसी है, खाने की सुविधा कैसी है, क्या क्या सिखाते हैं, बच्चे कितने हैं वे लोगों के साथ रहते हैं, ये बच्चों की शिक्षा और उसके स्वास्थ्य की चिंता जेल विभाग अच्छी तरह से करता है, ये मैंने स्वयं देखा।